पता नहीं औरतें अपने पति की कैसे बुराई कर लेती है, मैं तो कभी नहीं करती। चाहे शक्ल से काला कलूट है, कंजूस मक्खी चूस है, और अकल तो हमेशा घर चढ़ने गई रहती है, और खराटे तो ऐसे मारता है आधा मोहल्ला उठ जाए रात को। मन तो करता नाक में बॉस घुसेड़ दूं, पर ना जी ना, मेरे पति मेरे भगवान है। शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही अफसोस लगता है। वो काची कि साला कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। कौशल भाई, ये किस चीज के खेत हैं? ये कपास का खेत है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो इसमें सलवार वाला पौधा कौन सा है? सुनो जी, एक बात बताओ, 1990 में और 2019 में क्या अंतर है? अबे यार देख, 1990 में लड़कियां डरती थी कि सास कैसी मिलेगी, और 2019 में सास लोग डरती हैं कि बहू कैसी मिलेगी। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? क्यों बताएं? बोल रहा भगने, आजा। आ रहा हूँ। एक लड़की अपनी दादी से पूछी कि दादी तुम्हारे जमाने में 10-10 बच्चे कैसे होते थे? तो दादी बोली, अरे बेटी हमारे जमाने में रात को लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर समय नहीं बर्बाद करते थे। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे मेरा भाई। तू कुत्ता है तू कुत्ता। Excuse me. क्या है? ये एड्रेस बता सकती है? यार तुम लड़कों को और कोई काम नहीं होता क्या? जहाँ पे खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि आ जाते हो लाइन मारने। जाओ यार, मुझे मेरी सेल्फी लेने दो। Excuse me. ये गाड़ी मेरी है, आप साइड हो जाएंगे? Oh, I'm so sorry. ये गाड़ी आपकी है? अच्छा, आप वो एड्रेस पूछ रहे थे ना, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो एड्रेस है ना, ये आप यहाँ से सीधा जाएंगे फिर राइट लेंगे। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। हाँ सॉरी। थैंक यू। अबे चप्पल तो देके जा। अबे कहाँ जा रहा है? अबे वो नालायक कहीं का। अबे वापस आ। चानू, मेरी शादी हो गई है, अब मैं ससुराल जा रही हूँ। जाओ, ये दुआ है मेरी दिल से कि ससुराल में जाकर खुश रहना, लेकिन जब मायके आना तो टच में रहना। जो कहती थी कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगी, चाहे तो कुमारे ही मर जाऊंगी, आज उसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है। मैंने 500 तक फटाफट भगवान को चढ़ाया, पुजारी भरत गया, ये नहीं चलेगा बालक। हमने कहा बाबा, हमने तो भगवान को चढ़ाया, आप क्यों भरत रहे? अरे बाप रे, कैसी लड़की से शादी करा दी मेरी, सिगरेट पीती है, तलाक भाई नहीं रखना तलाक। मुझको गलत ना समझना। यार तुझे मैं आई लव यू बोलूंगी तो कैसा लगेगा? यार मैं तो खुशी के मारे मर जाऊंगा। अच्छा हाँ? जा फिर नहीं बोलती हूँ, जी ले अपनी जिंदगी। भाई साहब, सच सच बताना यार, जिंदगी का सवाल है, क्या शादी के बाद सच में बर्तन मांजने पड़ते हैं?